जरा सोचिए, अगर आपने ट्रेन की टिकट बुक करा ली हो और आयन वक्त पर पता चलता है कि आपको किसी काम से रुकना पड़ गया और जो टिकट कटाया है उसे कैंसिल करने तक की नौबत आ गई, तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सिर्फ 20 रुपए देकर ही ट्रेन और यात्रा की तारीख को बदल सकते हैं। पूरा मामला समझने के लिए आपको भारतीय रेलवे की नई योजना के बारे में जानने की जरूरत होगी, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने अभिनय योजना एक बार फिर से शुरू कर दी है। यात्रियों को अब तय तिथि में यात्रा करने में असमर्थ होने पर टिकट कैंसिल नहीं कराना होगा। सिर्फ 20 रुपए शुल्क देकर यात्रा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, इससे यात्रियों को टिकट निरस्त कराने पर भारी भरकम कटौती का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुविधा स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी के आरक्षित टिकट पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर लगभग 50% रिजर्वेशन टिकट बुक होते हैं, वहीं शेष यात्री ई टिकट कराने को बढ़ावा दे रहे हैं। ई टिकट पर जहां वेटिंग लिस्ट क्लियर न होने पर पूरा पैसा वापस मिलने की सुविधा मिलती है, तो वहीं पीआरएस काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को पेपर टिकट के कई लाभ मिल रहे हैं। इस सुविधा को रेलवे की भाषा में टिकट मॉडिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि आप बिना टिकट रद्द अपने पहले से आरक्षित टिकट में संशोधन करा सकते हैं। इसी मॉडिफिकेशन में रेलवे ने तिथि बदलने की सुविधा को शुरू कर दिया है, जिसे अभिनय योजना का नाम दिया गया है। इसके लिए यात्री को मामूली चार्ज देना पड़ता है। मनोज कुमार सिंह, पीआरओ झांसी मंडल का कहना है कि टिकट मॉडिफिकेशन के तहत ट्रेन और तिथि में परिवर्तन किया जाता है। ये सुविधा 24 घंटे पहले संशोधन फॉर्म देने पर ही दी जाती है। अगर आपको आने वाले हफ्ते में ट्रेन से ट्रेवल करना है या फिर आपने रेलवे रिजर्वेशन करा रखा है, तो ये खबर आपके बहुत काम की है और आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अब अगर आप टिकट कैंसिल कराने तक पहुंच चुके हैं या फिर आपको टिकट कैंसिल कराने की नौबत आ गई है। यदि आपने पहले से टिकट करा लिया है और आप परेशान चल रहे हैं, आप कटौती से बचना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 20 रुपए देकर ही ट्रेन और यात्रा की तारीख को बड़े ही आसानी से बदलवा सकते हैं। यात्रियों को टिकट निरस्त कराने पर भारी भरकम कटौती भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुविधा स्लीपर से लेकर एसी कोच सभी में आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में एक के बाद एक भारतीय रेलवे यात्रियों को हर सुविधा प्रदान कर रहा है और यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए एक के बाद एक नए नियम लागू किए जा रहे हैं, तो वहीं कई और योजनाएं भी लाई जा रही हैं। अब रेलवे ने जो नई स्कीम लाई है उसके अनुसार यात्रियों को कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन जो खबर बता रही है उसके मुताबिक ये तो तय है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। और वैसे यात्रियों को परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा जिन्होंने टिकट करा तो ली है लेकिन उन्हें कैंसिलेशन चार्ज से बचना है या फिर टिकट कैंसिल कराना नहीं चाहते हैं। कुछ दिनों बाद उसी टिकट को अगर संशोधित कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुविधा भी खुला हुआ है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।